नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जमीन पर घायल बैठी ये महिला झूठे 3 तलाक से पीड़ित वो महिला है जो हाथों में अपने पति का फोटो लिए कह रही है कि वो मर जाएगी, लेकिन धोखेबाजी के इस तलाक को हरगिज नहीं मानेगी। सर पर मां बेटी के गहरे जख्म और जिस्म की चोटें चीख चीख के बता रही है इन दोनों की बहरहमी से पिटाई की गई है। ये मामला यूपी के बहराइची जिले के नानापारा कोतवाली के मेहरबान गांव का है। यहां की लड़की गुलशन, जहां की शादी आज से लगभग 6 साल पहले बहराइची के अब्दुल रहमान के साथ हुई थी, माँ बाप ने बड़े अरमानों से बेटी को विदा तो किया, लेकिन कुछ ही दिनों में बेटी मायके में आकर बैठ गई, जिसको लेकर लड़की के माँ बाप बहुत परेशान रहते थे और कई बार दामाद से बात की ताकि किसी तरह मामला सुलझ जाए और बेटी का घर उजड़ने से बच जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, हुआ वो जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। आखिरकार महरम दामाद ने बेटी को तलाक दे दिया। पीड़ित के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले दहेज लोभी पति ने 3 तलाक देकर पत्नी से छुटकारा पाना चाहा, लेकिन गुलशन जहां को धोखे से दिया गया ये तलाक हरगिज कबूल नहीं है, जिसके चलते पीड़ित ने कानून की शरण ली और मामला अदालत पहुंच गया, जिसके बाद से ही आरोपी पति पीड़िता के केस वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाता आ रहा था। बीती रात आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ पीड़ित के घर पहुंच गया और घर पर अकेली पीड़िता और उसकी मां को बेरहमी से पीटने लगा। गांव वालों के हस्तक्षेप से किसी तरह दोनों की जान बच गई, लेकिन आरोपी पति ने जाते जाते धमकी दी कि अगर केस वापस नहीं लिया तो जान से मार दूंगा। इस घटना के बाद से ही पीड़ित पक्ष काफी डरा हुआ है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हमारे पति ने हमको फरार तलाक दिया, जो कि उस तलाक को नहीं हम मानते हैं, ना ही मेरा दान दहेज दिया है और ना ही जो है क्या कहते हैं हम महर दिया। तो उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि सुलह हो जाए, तो हम सुलह नहीं हो रहे हैं। आपने क्या मुकदमा किया है? हाँ, हमने मुकदमा किया है। क्या? दहेज प्रथे का है। 5-6 मुकदमा हमने किया है, तो उस मुकदमे में हमारा भी चल रहा है सब। तो हम सुलह नहीं हो रहे थे, जबकि इन लोगों ने मुझे मारा सुलह होने के लिए। किस तरह से मारा? इस तरीके से मारा कि मेरे घर में कोई नहीं था, और मारा इसलिए कि हमको कह रहे हैं कि सुलह हो जाओ, और हम सुलह नहीं होना चाहते। खेत में लपेट लपेट के मारा, सर के बाल पेड़ में लड़ा दिया, पेड़ में लड़ा लड़ा के मारा मुझे। मैं एक लड़की हूँ, 8-9 लड़के आके बहराई से नाजीपुरे से मुझे मारा एकदम घसीट घसीट के। मेरी माँ को भी सामने मारा सब लोगों ने मिलके। क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोग? हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि जैसे इन्होंने किया है गुनाह, उसी की सजा उनको मिले। बहराइची से नित्यम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 में।